नए जिलों के सीमांकन व नोटिफिकेशन की तैयारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रात को अधिकारियों के साथ में एक बैठक की थी। कुछ जिलों में शामिल नहीं होने को लेकर विरोध किया गया और कुछ जिले नए जिलों को भी मांग की जा रही है। ऐसे में सभी पहलुओं पर चर्चा की गई है और देखिए जिस तरह से नए जिलों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी, ऐसे के अंदर खुशी का माहौल देखा जा रहा था और इसी को लेकर नए जिलों के सीमांकन और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की तैयारी को लेकर एक बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रात को अधिकारियों के साथ में बैठक की थी और इस बैठक में चर्चा की गई थी। कुछ जिलों में शामिल नहीं होने को लेकर विरोध था तो वहीं कुछ नए जिलों की मांग भी इस बैठक में की जा रही थी। ऐसे में सभी पहलुओं पर इसमें चर्चा की गई। हालांकि देखिए जो स्पष्टीकरण है वो अब तक सामने नहीं आ पाया है और हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। नरेश जी देखिए जिस तरह से बैठक हुई है, जिस तरह से चर्चा हुई है, कुछ नए जिलों की मांग भी की जा रही है, स्पष्टीकरण हालांकि देखिए अब तक नहीं आ पाया है, कंक्लूजन नहीं आ पाया, क्या लगता है क्या कुछ तस्वीरें भविष्य की देखने को मिलेगी? देखिए जो नए जिले बनने जा रहे हैं उनकी जो तैयारियां है वो अंतिम चरण में है। नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है और लगभग सीमांकन का कार्य है वो कह सकते हैं फाइनल टच उसको दिया जा रहा है। हालांकि दो तीन जिलों को लेके कुछ बातें हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने उन क्षेत्र की जनता ने पहुंचाई है। कुछ जो है ऐसे क्षेत्र हैं जो घोषित जिलों में नहीं रहना चाहते, नए जिले की मांग कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो पुराने जगह रहना चाहते हैं। तो इन तमाम पहलुओं को लेके भी कल रात को जो मुख्यमंत्री ने अनौपचारिक बैठक की अधिकारियों के साथ में उस पर चर्चा की गई कि किस तरह से हल निकाला जा सकता है। खासकर देवली है, अगर बात फुलेरा है, सांपर है, यहाँ के प्रतिनिधिमंडल पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री ने उनको भरोसा भी दिलाया था कि जो जन भावना है उसके अनुरूप ही फैसला होगा। क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र है, खासकर अगर हम सांबर और फुलेरा की बात करें तो ये दूर दूर क्षेत्र में नहीं रहना चाहते। जो नया जिला जो घोषित किया गया है दूर उसको लेकर काफी विरोध है, उसमें कई क्षेत्र की जो जनता है उन्होंने ये मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई है कि उस क्षेत्र में नहीं रहना चाहते, नया तो नया जिला बनाया जाए या फिर पूर्व की स्थिति है वो कायम रखी जाए। इसी तरह बगरू क्षेत्र को लेकर भी लगातार है कि बगरू है वो दूदू में नहीं रहना चाहता और जयपुर में रहना चाहता है। तो जो नए जिले की बात करें जयपुर के दो पार्ट थे, जोधपुर के दो पार्ट थे, उसको लेकर अभी फैसला नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे हालांकि सरकार के जो मंत्री प्रताप सिंह वो कह चुके हैं कि जयपुर के टुकड़े नहीं होंगे। तो फिर ये जो पुरानी जो घोषणा है उसको किस तरह से अब आगे किया जाए, क्या उसको रोक किया जाए, किस तरह से उनका सीमांकन हो, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रात को जो मीटिंग की उसमें चर्चा हुई है। बाकी जो नए जिले घोषित किए गए हैं उनमें सीमांकन का काम है लगभग पूरा हो गया है, बस नोटिफिकेशन जारी करना है। बिल्कुल नरेश जी, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।